वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ जनरल इंग्लिश ग्रामर के 60 क्वेश्चन। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको अवगत कराना होता है, क्योंकि ये जो 60 क्वेश्चन है इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश ग्रामर दिया है तो अगर उसने ये कहा है कि इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे, तो इंग्लिश के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं जनरल इंग्लिश ग्रामर के, वो सारे इस वीडियो में हम सीखेंगे और इससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंगेस्ट इच के वर्ड आर गिवेन फॉर सजेशन मीनिंग, चूज द वर्ड एज अ फ्रेज विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग इन द के वर्ड। कह रहा है कि नियरेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग मतलब कि एक तरह से आपका समानार्थी हो गया, यानी कि सिनोनिम्स। इसमें कह रहा है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। इसमें एक वर्ड दे रखा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का कह रहा है कि सिनोनिम क्या होगा। दोस्तों, एंटागोनिस्ट का जो है मतलब होता है विरोधी, और विरोधी का जो है समानार्थी जो है एक तरह से सिनोनिम वो होता है होस्टाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा भी क्वेश्चन यही कह रहा है कि लास्ट में अगर आप देखो तो इसमें भी पूछा है कि नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि अपर जो है इस वर्ड का जो है वर्ड दे रखा है अपर ट्रेन का जो है नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि इसका क्या है समानार्थी क्या होगा। तो दोस्तों, अपर ट्रेन का मतलब होता है संबंध रखना, और इसका जो है सही आंसर है टू बी अप्रोप्रिएट, यानी कि इसका भी मतलब संबंध रखना, यानी कि आप कह सकते हो कि समानार्थी शब्द जो है या सिनोनिम इंग्लिश में जो है सिनोनिम वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिनोनिम ये हो गया दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द सेंटेंस एंड चूज द एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द पूछा है, तो इसने एक वर्ड दे रखा है कि राम इज शोइंग साइन ऑफ सेनिलिटी। तो सेनिलिटी का पूछ रहा है कि सेनिलिटी का जो है एक तरह से विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, सेनिलिटी का मतलब होता है बुढ़ापा, और इसका जो है अपोजिट वर्ड होगा तो वो होगा जो वीरिलिटी। वीरिलिटी का मतलब होता है यौवन अवस्था या पौरुष अवस्था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसमें भी कह रहा है कि इसमें भी आपको एंटोनिम ही पूछा है, और सेंटेंस दे रखा है कि द सुपरिटेंडेंट लुक वेरी ग्रम्पी। ग्रम्पी पे इसने निशान लगाया। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, तो चिड़चिड़ा का विलोम क्या होगा, प्लीसेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ कहते हैं। ये भी कह रहा है कि अपोजिट इन मीनिंग, तो अपोजिट इन मीनिंग का मतलब वही हो गया कि विलोम शब्द, तो लूरिड का विलोम क्या होगा। तो लूरिड मतलब होता है भयंकर, और भयंकर यानी कि भयावह जिसे कहते हैं, तो उसका जो है माइल्ड का मतलब सौम्य इसका मतलब होगा, यानी कि पांच का जो है चौथा सही है, यानी कि भयानक का सौम्य जो सबको अच्छा लगे उल्टा उसका। छठा क्वेश्चन कह रहा है अपोजिट इन मीनिंग, इसमें भी अपोजिट यानी इसमें विलोम शब्द है, तो इसमें दे रखा है एक वर्ड जो है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का जो है मतलब विलोम पूछा है, तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है व्यक्त करना, यानी कि एक्सप्लेन करना। ठीक है, या व्यक्त करना होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है कि अस्पष्ट, यानी कि जो अस्पष्ट नहीं है। एक जो है इसका जो है व्यक्त करना, यानी कि जो व्यक्त हो सके, और अस्पष्ट यानी कि जो अस्पष्ट ना हो सके, तो ये इसका उल्टा है। ठीक है, तो सातवां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट नियरेस्ट इन मीनिंग इन कैपिटलाइज वर्ड, यानी कि जो है कह रहा है कि चूज द नियरेस्ट, यानी कि ये भी क्या है सिनोनिम है। तो क्वेश्चन नंबर सातवां जो है सिनोनिम है। सिनोनिम में एक वर्ड दे रखा है इसने जो है अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है, तो अबेस का मतलब होता है अपमानित करना, तो एक तरह से ह्यूमिलिएट भी है हमारा। ह्यूमिलिएट का मतलब भी अपमानित करना होता है। ठीक है, तो अब सात का ऑप्शन नंबर एक सही है। आठवां कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट, ये भी जो है सिनोनिम है, तो SHAM सेम जो है इसका जो है हमें क्या करना है, सिनोनिम इसका उल्टा करना है। ठीक है, सिनोनिम इसका निकालना, तो सेम का मतलब होता है ढोंगी, और ढोंगी इसमें कौन सा ऐसा है जिसका वर्ड भी ढोंगी दिख रहा है,
तो ये जो है इसका परटेंस जो है एक तरह से हमारा प्रीटेंस है। प्रीटेंस का मतलब भी ढोंग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से किसकी स्पेलिंग जो है गलत है। तो ऑटोप्सी ये भी सही है, ऑटोक्रेटिक ये भी सही है, अकवर्ड, अकवर्ड की अगर आप मीनिंग देखोगे जो करेक्ट स्पेलिंग वाले अकवर्ड की मीनिंग होती है तो वो होती है AWKWARD। तो इसमें तो AW को हटा ही दिया है, तो यहाँ पे W अगर लगा देता तो ये अकवर्ड की सही मीनिंग हो जाती। तो यहाँ पे अकवर्ड क्या है दोस्तों, स्पेल्ट वर्ड है। अकवर्ड का मतलब अजीब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें भी चारों में से एक कोई है जिसकी जो है स्पेलिंग गलत है। तो एबनॉर्मिटी का भी ये सही है, उसके बाद अब्रेशन भी सही है, और तीसरा है एब्सटेंट, ये दोस्तों गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है जो है इसने दे रखा है वो होना चाहिए ABSTINENT होना चाहिए। तो ये जो है इसका जो अब्सटेंट का मतलब होता है संयमी, और संयमी में जो इसने ए लगा रखा है वो गलत है, ई होना चाहिए, NENT होना चाहिए। तो 10 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है पैसेज दे रखा है कि ये पैसेज पढ़ लीजिए और पैसेज पढ़ के जो है आपको इसका आंसर देना है। तो ये दोस्तों एक बार आप पैसेज भी आप पढ़ सकते हो और पैसेज से ही जो है पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। तो इसमें जो है कुछ भी वो टफ नहीं है, इसमें जो है पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है और पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो चलिए मैं 11 छोड़ देता हूँ, 12 भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये पैसेज से रिलेटेड अगर आप पैसेज पढ़ लेंगे तो जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके लिए आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से और जो है पूछे गए आंसर को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो 11, 12, 13, 14 और 15 तक हमारा क्या है दोस्तों, ये जो है एक अनसीन जो है पैसेज दे रखा है और पैसेज को पढ़ के आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सोलह कह रहा है कि मिस्टर नेहरू स्पीचेज ऑलवेज बॉट आउट हिज, तो इसमें दो वर्ड भरना है आपको जो एकदम सूटेबल हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 16 का, कि जो है बॉट आउट हिज लव फॉर इंडिया एंड देन वेल बींग ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। तो 16 का इसमें मतलब ये भी आप जानते हो फिल इन द ब्लैंक है, इसे भी आप भर सकते हो सूटेबल जो है सेंटेंस बनाने के लिए। 17 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि मैन विथ ग्रेट, तो ये हो जाएगा विजडम एंड नॉलेज आर यूजली वेरी पोलाइटी एंड हम्बल। तो इसमें ऐसे वर्ड दो चूज करना था जो आपको भरते ही सेंटेंस बहुत अच्छा जो है करेक्ट लगे, ठीक है, या सूटेबल लगे। 18 की बात करते हैं तो 18वां कह रहा है कि द फ्रेंड राइट फास्टर, इसमें क्या आपको भरना है, गुड इंग्लिश, इसमें से जो है चार ऑप्शन है, इसमें से कोई ऐसा जो है वर्ड भरना है जिससे जो है इजीली जो है ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो या सूटेबल हो। तो इसमें द फ्रेंड राइट फास्टर यानी कि मित्र जो है बहुत तेज लिख रहा है, देन आई यानी कि मेरे अपेक्षा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी तरह 19वां की बात करते हैं, द ग्रास ऑफ गॉड वी आल रीच सेफ एंड साउंड, यानी कि बाई द ग्रास ऑफ गॉड, यहाँ पे बाई जो है बाई इसका करेक्ट जो है वर्ड बनाने के लिए कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए सूटेबल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कुरियर कंपनी लकली डिलीवर द लेटर राइट ऑन टाइम, राइट ऑन टाइम इसके लिए सही है, राइटली ऑन टाइम ये भी गलत है, ऑन राइट टाइम ये भी गलत है, राइट बाई टाइम ये भी गलत है, राइट ऑन टाइम ये सही है। तो 20 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 21 की बात करें तो ही रिक्वेस्ट हर 5 rupees, तो इसमें से जो है कंप्लीट सेंटेंस को इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड हम भरें कि वो सेंटेंस को कंप्लीट करें, क्या उसमें हम टू लेंड हर भरें, नहीं, टू बारो हर ये भी गलत है, टू बारो हिम ये भी गलत है, टू लेंड हिम सही है, ही रिक्वेस्ट हर टू लेंड हिम 5 rupees, यानी कि वो उससे जो है 5 rupees उधार देने की रिक्वेस्ट किया, ठीक है। आई फर्स्ट
तो इसमें मीट आएगा, हैव मीट आएगा या हैड मेट आएगा। तो इसमें जो है आई फर्स्ट मेट जो है मैं उससे मिला कब, इन 1966 में, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड जो है एम ई टी ये सही भर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है सम फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट मी टुमारो, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सूटेबल होगा। तो 23 का जो है चौथा आर कमिंग, यानी कि द फ्रेंड्स, फ्रेंड क्या है प्लूरल हैं और आर मतलब उसके साथ प्लूरल के साथ आर कमिंग टू मीट मी टुमारो ये सही है, ठीक है। 24 की बात करते हैं सी वाज सो एक्साइटेड दैट सी कुड नॉट स्लीप, यानी कि वो इतना एक्साइटेड थे कि वो सो नहीं सके, ठीक है। तो इसमें वेरी एक्साइटेड ये भी गलत है, मच एक्साइटेड, टू एक्साइटेड और सो एक्साइटेड, तो सो एक्साइटेड इसमें सही है। 25वां की बात करें तो इसमें कह रहा है द डॉक्टर सून डायग्नोस्ड द पेशेंट्स जो पेशेंट इलनेस इन सेंटेंस डायग्नोज मीन, तो इसमें कह रहा है कि एक डॉक्टर है जो जल्दी से वो जो इलनेस को डायग्नोज कर लिया, तो डायग्नोज जो है का उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है डिसाइड ऑन द नेचर ऑफ, यानी कि किस नेचर की बीमारी है उस वो डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो 25 का जो है चौथा ऑप्शन सही है। 26 की बात कर रहे हैं तो 26 में क्या कह रहा है, स्पेल्ड रॉन्गली जो है इसमें कह रहा है कि इन दिस क्वेश्चन जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं विच मे बी रॉन्गली स्पेल्ड, जिसमें से एक जो है स्पेलिंग उसकी गलत है, तो उसको आपको चूज करना है। तो जो है मार्सेलिंग ये भी सही है, नीमिसिस ये भी सही है, पेरिस्ट्रेन सही है, उसके बाद जो है सेकली यानी कि सॉरी सिकल्स जो है ये जो है गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, इसकी अगर आप एक तरह से अगर इसकी आप देखोगे तो इसकी जो स्पेलिंग एक तरह से गलत है, और इसका जो है स्पेलिंग क्या होती है वो देख लीजिए। तो इसकी स्पेलिंग होती है यस एच ए सी के एल ई, यानी कि इसमें यस एच ई लिखा है, सीकल्स लिखा है, सीकल्स मतलब बेड़ी होती है, तो ये गलत है दोस्तों। ये जो है यस एच ए होना चाहिए, यानी कि यस एच ई की जगह पे ई की जगह पे बस ए आप लगा दो तो ये करेक्ट वर्ड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ई लगने की वजह से ये जो है गलत है, और इन चारों में से यही वर्ड गलत है और इसको आपने जो है आपको छांटना था, ठीक है। 27 की बात करते हैं तो 27 में जो है दे रखा है कि सोरोरिटी ये भी सही है, उसके बाद जो है टेररिटल ये भी सही है, मैग्निफिकेशन भी सही है, और चौथा है हैबिटेशन की जो अगर बात करें स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग की तो वो होती है HABITATION, लेकिन यहाँ पे HABB दे रखा है, तो डबल बी ये नहीं होना चाहिए, बस एक बी होना चाहिए, तो HA जो है इसका सही वर्ड हो जाएगा HABITATION, हैबिटेशन मतलब होता है निवास, ठीक है। 28 की बात करते हैं तो इसमें जो है जो इन चारों में से जो गलत है वो है पहला ही वर्ड गायनेकोलॉजी, जबकि इसकी असली अच्छी जो करेक्ट स्पेलिंग है सही स्पेलिंग है वो ये होनी चाहिए GYNE होना चाहिए, GYNE, यहाँ पे क्या देख रखा है GYNA लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए GYNECOLOGY, ठीक है। तो GYNECOLOGY इसका मतलब होता है प्रसूति शास्त्र, यानी कि जो एक तरह से मेडिकल का ये टर्म है। तो अब बाकी जो है चारों सही हैं, हैबिटेचुअल सही है, इनहेरिटेंस सही है, मैनिपुलेटिव सही है, यानी सबकी स्पेलिंग सही है, बस ऑप्शन नंबर एक का गलत है। 29 की बात करें तो गिव बिलो आर द फोर स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड चूज द करेक्ट वन, यानी कि इसमें जो है चारों का मतलब एक ही है लेकिन उनकी स्पेलिंग जो है गलत है, और जो है किसकी स्पेलिंग सही है सही स्पेलिंग वाले को चुनना था, ठीक है। उधर तो हमारा जो गलत स्पेलिंग थी उसको हमने चुना, लेकिन इसमें जो है सही स्पेलिंग जो सही है उसको हमें चुनना है, तो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए सही है वो है ANONY
एम यू एस एनोमियस, यानी कि जो है जिसका नाम न हो, बाकी के गलत हैं। इसी तरह हम अगर तीसवें में बात करें तो तीसरे में भी जो कह रहा है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाना है, यानी कि ये इतने बड़ा सेंटेंस है उसमें जो है एक सेंटेंस आपको चूज के रखना होता है। जैसे मैं अगर बोल दूँ कि जो मांस खाता हूँ उसे क्या कहते हैं, तो उसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक इसी तरह ये कह रहा है कि ए पर्सन हुज थॉट आर टर्न इनवर्ड, यानी कि एक व्यक्ति जिसके विचार जो है अंदर की तरफ होते हैं या अंदर की ओर मुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर्मुखी, यानी कि उसे अंतर्मुखी को इंग्लिश में करते हैं इंट्रोवर्ट, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, 31 की बात करते हैं कि ही गेव मी ए, इसमें कह रहा है कि मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बनाना है इसमें, यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड इन चारों में से भरिए जिससे एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बने या एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस एक तरह से करेक्ट बने। ठीक है, तो इसमें से सबसे जो है इसमें से चारों में से कोई एक ऐसा चुनना है जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट पूरा हो। तो क्या कह रहा है, ही गेव मी डैश बाई अपेयरिंग सडनली इन द डार्क, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, ही गेव मी अ स्केयर, यानी कि क्या स्केयर का मतलब होता है, डरा दिया, बाई अपियरिंग सडनली इन द डार्क, यानी कि वह जो है सामने आकर सडनली अंधेरे में सामने आकर हमें क्या कर दिया, मुझे डरा दिया एक तरह से, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा ही वॉज पनिश्ड फॉर द, तो ये है डेरिलेशन का मतलब होता है एक तरह से कर्तव्य का त्याग, यानी कि वह जो है अपनी वो अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया था ड्यूटी पर, इसलिए उसे क्या मिला, पनिशमेंट मिला। तो ये जो है एक तरह से सेंटेंस आपका कंप्लीट है। देख नेक्स्ट है, द ओल्ड लेडी हग हर सन व्हेन ही रिटर्न ट्रिम्फली फ्रॉम द वार, यानी कि वह जो अपने सन को जो है क्या कर दिया, ओल्ड लेडी हग के गले से लगाई जब वो क्या किया, वार से वापस आया, लड़ाई के मैदान से वापस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरना है आपको। इन अ क्लास रूम स्टूडेंट आर टू बी ट्रेंड टू लव, क्या यानी कि क्लास रूम में स्टूडेंट को क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है प्यार करना, किस से, वन अदर, यानी कि सब प्रत्येक से, ईच अदर नहीं होना चाहिए, आल अदर नहीं होना चाहिए, ऑल टुगेदर भी नहीं होना चाहिए, वन अदर वन एनोदर, यानी कि एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्यार करने के लिए स्कूल में ट्रेंड किया जाता है। ठीक, 35 की बात करें, वॉक प्रॉपरली, और इनमें से चार वर्ड भरना है, जस्ट यू शुड फॉल, या लिस्ट यू शुड फॉल, या मस्ट यू शुड फॉल, या अदरवाइज। तो इसमें लिस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है कि वॉक प्रॉपरली, यानी कि चलो सही तरीके से, लिस्ट का मतलब होता है नहीं तो क्या, यू शुड फॉल, तुम क्या होगी, गिर जाओगी। ठीक है, इसके बाद हमारा 36 आता है। 36 में कह रहा है कि इसमें से बहुत सारे सेंटेंस टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, इन सबको जो है एक सीक्वेंस में एक नंबर से हमें क्या होना है, सजाना है, और सजा के एक अच्छा सा वर्ड निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो है सही करेक्ट ऑप्शन है 5, 7, 6, इसमें नंबर दे रखे हैं, तो इसका जो है सही नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, 3 के अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, कोवार्ड डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ। ठीक है, यानी कि जो कोवार्ड यानी कि जो डरपोक होते हैं, मौत से पहले कई बार मर चुके होते हैं। ठीक है, 27 की बात करें, तो इसमें भी अलग अलग बिखरे हुए, इनको पिरो के एक वर्ड सेंटेंस बनाना है, तो इसमें सही नंबर है ऑप्शन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, ए लायर नीड अ गुड मेमोरी, यानी कि एक लायर को जो है अच्छी मेमोरी रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, 38 की बात करें, तो इसमें भी वही हमें करना है, तो इसका जो है सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा होगा, अ बर्न चाइल्ड, यानी एक जला हुआ बच्चा जो है ड्रेड्स द फायर, यानी कि जो है बर्न जो एक जो है ए बर्न चाइल्ड ड्रेड द फायर, यानी कि एक इसका जो सही
और सेंटेंस में सिक्वेंसली ये जो होगा उसका ऑप्शन नंबर एक जो है 3 1 4 5 6 2 होगा, ठीक है। 39 की बात करते हैं, 39 में कह रहा है कि इसमें भी वही करना है हमें, सिक्वेंसली इनको अरेंज करना है ताकि हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन सके। तो इसमें 39 का भी ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, इसका जो बनेगा वो हो जाएगा फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, सही है। 40 की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि चार जो है इस सेम वर्ड दिए हैं, एक ही वर्ड जो है चार बार दिया गया, लेकिन उनकी स्पेलिंग जो है अलग अलग है, उसमें जो है जो करेक्ट स्पेलिंग का है उसे आपको छाटना है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मैस्ट्री। मैस्ट्री मतलब होता है, मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है, मिस्ट्री की सही स्पेलिंग यही होती है, MYSTERY, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलते हैं 41 की तरफ। 41 हमारा क्या कह रहा है, 41 कह रहा है कि इसमें जो है वही हमें करना है कि इसमें आइडम्स दे रखा है, आइडम्स आपने पढ़ा होगा, मुहावरे वगैरह जो भी है। तो इसमें जो है सही जो है इसका जो है मुहावरा जो है करेक्ट मीनिंग क्या होगी, तो इसमें मुहावरा दे रखा है आइडम्स एंड फ्रेज में कि पुट अ पर्सन थ्रू हिज पेसेस, यानी कि पुट अ पर्सन थ्रू हिज पेसेस, इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट हिज एबिलिटी। और एक तरह से इसको आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति को उसकी गति के माध्यम से रखना, यानी कि उसकी एबिलिटी को टेस्ट करना। तो 41 का 3 सही है। नेक्स्ट है हमारा कि ए स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि एक जो है स्टॉर्म, यानी कि जो हमारा भूकंप या कह लो या कोई भी तूफान कह लो, इन अ टी कप यानी कि एक चाय के प्याले में, तो इसका मतलब कि क्या, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइबल, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इफ सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री या अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि एक तरह से इसका जो है इसका जो मुहावरा कह रहा है उसका मतलब यही हुआ कि मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइबल, ठीक है। 43 की बात करते हैं, अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड अ होल, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ए पर्सन अनसुटेड टू द पोजिशन ही फील, यानी कि इसका मतलब होगा ए स्क्वायर पिग इन राउंड होल, इसका मतलब ये हुआ कि सम हु डज नॉट फिट इन अ पार्टिकुलर प्लेस या सिचुएशन, यानी कि कोई व्यक्ति है वो उस सिचुएशन पे है लेकिन वो उसके लायक नहीं है, तो इस मुहावरे का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद जो है 41 में कह रहा है कि इनमें जो है चार सेंटेंस दे रखा है, इसमें अगर एरर है तो उसको आपको पॉइंट आउट करना है, कहाँ पे एरर है वो दे रखा है कि एक जो है एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, या इसमें एरर है तो बताइए, नहीं तो नो एरर पे आप टिक कीजिए। तो इसमें जो है दे रखा है 44 का पहला, अगर 44 में क्या कह रहा है, आई डेयर नॉट टू गो टू माई फादर, और इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 नो एरर, यानी कि इसमें एरर है या नहीं उस पर टिक करना है। तो यहाँ पे नॉट टू पे जो है क्या है दोस्तों, टिक है, करेक्ट सही है। और इसका जो है सही आंसर क्या होगा, इसका यही होगा कि आई डेयर नॉट, बस नॉट होगा ना कि टू होगा, ठीक है, आई डेयर नॉट ये सही है, टू नहीं होगा, बाकी गो टू माई फादर ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे टू लगा के इसने क्या कर दिया, यहाँ पे गलत कर दिया। इसी तरफ 45 में करते हैं, आई गेट अप एट 5, तो यहाँ पे पहला वर्ड ही सेंटेंस जो पहला जो है गलत है, पहला सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि आई गेट अप एट 5 लिख रहा है, 5 FIVE ये गलत होगा, 5 के जगह पे वो जो नंबर में 1 2 3 4 5 हम लिखते हैं, तो 5 ओ क्लाक होना चाहिए यहाँ पे, अगर 5 ओ क्लाक होता तो सही होगा, यहाँ पे जो है 5 ओ क्लाक ना लिख के इसने डायरेक्ट 5 लिख दिया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 46 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टिंग, यानी कि इसमें से कौन डंक मार सकती है, कुत्ता डंक मारेगा नहीं, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू मार सकती है, कैट मारेगी नहीं, लिजर्ड यानी वो भी नहीं मारेगी, तो इसका सही आंसर होगा स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, ठीक है। 47 की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पोजीशन, यानी कि सॉरी प्रीपोजीशन, इसमें प्रीपोजीशन जो आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है तो प्रीपोजीशन भी पढ़ा होगा, तो प्रीपोजीशन में इसमें कौन सा सही है वो आपको चूज करके लिखना है। इसमें दे रखा है
कि सिवांस इज अ गुड, तो क्या एट स्टडी यानी कि स्टडी में सिवांस जो है अच्छा है, ठीक है। 48 की बात करते हैं, 48 हमारा कह रहा है, 48 में कह रहा है कि हमारा गिवन बिलो द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस चूज द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है 48 को, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कुड दे नॉट हैव हेल्प द नीडी, यानी कि इसका जो है इसने तो दे रखा है एक्टिव में, अब आपको इसको पैसिव बनाना, तो पैसिव इसका क्या होगा, कुड द नीड नॉट हैव बीन हेल्प बाई देम, इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाट सेल बी करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इन टू अ कम्प्लेक्स सेंटेंस बाई यूजिंग द एडवर्ब क्लॉज, इसमें जो है एडवर्ब क्लॉज बनाना है आपको, तो इसमें दे रखा है कि द चीफ गेस्ट इंटर द हॉल द ऑडियंस क्लैम्प, यानी कि जैसे चीफ गेस्ट हॉल में इंटर हुए तो ऑडियंस क्या हुए, क्लैम्प तालियां बजाना शुरू कर दी, ठीक है। तो इसका सही होगा द ऑडियंस क्लैम्प्ड एज द चीफ गेस्ट इंटर द हॉल, इसका यही होगा जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस बाई यूजिंग एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे तो ये सही होगा, ठीक है। 50 की बात करते हैं तो फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो सीता इज अ डिफरेंट टू हर हेल्थ, यानी कि वह जो अपने हेल्थ से क्या डिफरेंट है, तो इसका प्रीपोजिशन ऑप्शन नंबर एक सही है, ठीक है। 51 की बात करते हैं तो 51 हमारा जो है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच हैज़ बीन इन यूजिंग इन सेंटेंस, यानी कि उसने सेंटेंस दे रखा है इसमें कौन सा टेंस है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है दे रखा है सेंटेंस के बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव, यानी कि विल हैव शैल हैव, ये क्या आता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें आर्टिकल आपको भरना है, तो आर्टिकल ए एन और द होता है, तो इसमें से ए एन और द इसमें से आपको भरना है। तो कालिदास इज, तो कालिदास क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे द होगा, ठीक है। 53 की बात करते हैं तो 53 हमारा ये कह रहा है, अरे प्रॉब्लम क्या है, 53 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई प्लूरल वर्ड, यानी कि इसमें बहुवचन इसमें से आपको छांटना है। तो जो है रेडियस सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ड है, सिलेबस सिंगुलर वर्ड है, और करिकुलम भी सिंगुलर वर्ड है, एजेंडा जो है एजेंडा हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ड है। 54 की बात करते हैं, गिवेन आर फोर सेंटेंस चूज द सेंटेंस विच बिलोंग द क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर के क्लास में जो सेंटेंस आ रहा है उसको आपको चूज करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है। और ये कह रही है क्या है कि सी सिंग्स डिलाइटफुल, ये जो है एक तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर के क्लास में आ रही है, ठीक है। 55 की बात करते हैं, 55 हमारा कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ नो एडवर्ब, इसमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब है ही नहीं, तो ये है ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसमें जो है एडवर्ब है ही नहीं, बाकी सब में एडवर्ब है। 56 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच को क्या, इसमें कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस गिव इन इनडायरेक्ट इन टू डायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। और वर्ड क्या दे रखा है कि वुड यू माइंड पासिंग द साल्ट आई सेड टू हिम, तो इसका मतलब इसका जो है इसने दे रखा है कि इसमें इनडायरेक्ट में इसको जो है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ये होगा आई आस्क हिम इफ़ ही वुड माइंड पासिंग द साल्ट, ठीक है। 57 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर सेंटेंस हैज बीन गिवेन आउट ऑफ फोर ऑप्शन गिव वन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आइडेंटिफाई वन एंड मार्क योर आंसर, यानी कि इसमें से चारों में से कोई एक जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसको फाइंड आउट करना चाहिए, करना है आपको, यानी चार सेंटेंस है चारों में से तीन तो सही हैं चौथा ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है तो वो कौन सा है। तो सीम्स सेड सिक, ये सही है, ही हैज़ अ सेलुलर फोन, वो भी सही है, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ये भी सही है। और ये तीसरा नंबर दीज ग्रैप्स आर टेस्टिंग सोर, ये जो है इसका 57 का तीसरा इसका सही आंसर होगा। इसी तरह 58 की बात करें
तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है और सेंटेंस दे रखा है ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड। तो इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें चेंज करना है तो ये हो जाएगा ही अर्ग देम जिसे आर्गूमेंट है तो उसी तरह से ही अर्ग देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। ठीक है, 59 की बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें भी वही है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और सेंटेंस दे रखा है कि राम सेड टू द बॉय व्हाई विल यू नॉट प्ले विथ मी। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, राम आस्क द बॉय व्हाई ही वुड नॉट प्ले विथ हिम। ठीक है, 60 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन एमंग द चॉइस गिवन। रिपोर्टेड स्पीच में आपको करना है और सेंटेंस दे रखा है द गर्ल सेड आई मस्ट गो टू दिल्ली टुमारो। तो यानी कि इसका जो है रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा द गर्ल सेड दैट ही हैड टू गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें से आप एक तरह से फिर से समझ लीजिए क्या पूछा जा सकता है। डायरेक्ट पूछ सकता है, इनडायरेक्ट पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक पूछ सकता है, एडवर्ब यानी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है ए एंड एन द। उसके अलावा जो है आपसे जो है एक तरह से चार ऑप्शन दे देगा, उसमें जो करेक्ट है उस ऑप्शन को चूज करने के लिए बोलेगा। प्रीपोजिशन पूछ सकता है, उसके अलावा जो आइटम्स पूछ सकता है, आइटम्स एंड फेज पूछ सकता है, और सीक्वेंस में जो है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड पूछ सकता है। उसके अलावा जो है फिल इन द ब्लैंक में वर्ब की कौन सी कंडीशन है वो पूछ सकता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछ सकता है, जैसे जो मांस खाता है उसको क्या कहते हैं तो उसको हम मांसाहारी कहते हैं, वैसे कुछ तो ऐसे भी पूछ सकता है। उसके अलावा चार जो है सेम जो है वर्ड मीनिंग दे देगा, उसमें जो है एक जो है गलत होगी उसको चूज करने के लिए पूछेगा। ठीक है, सिनोनिम पूछ सकता है, एंटोनिम पूछ सकता है, और जो है करेक्ट स्पेलिंग वर्ड पैसेज भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको तैयार करके जाननी होगी ताकि आप अच्छे से जो है क्लियर करो। कौन सा टेंस है ये भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।